Good morning, student. Good morning, student. Welcome to Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makhriya, your science teacher. Today we are going to start our chapter 5. जो हमारा chapter 5 हमने start किया था, separation of substances. Chapter 5 is separation of substances. Separation of substances means पदार्थों को अलग अलग करना. In previous class we have seen, previous class में हमने देखा था कि what is the importance of separation of substance, किस पदार्थों को अलग अलग करना क्यों ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो उनमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, वह इम्प्योरिटीज क्या होती है, अगर हम विदाउट सेपरेटिंग के जो है फूड को खा लेते हैं तो इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए होती क्या होती, काफ़ी नुकसानदायक होती है. तो इन्हें हम कैसे जो हैं अलग अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को, या किसी भी मिक्सचर में से प्योर सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ मैं अपने फर्स्टली अपन ने देखा था कि कर्ड में से बटर को सेपरेट करना. बटर को सेपरेट करने के लिए जो हमने जो है कौन सी प्रोसेस देखी थी, चर्निंग प्रोसेस. चर्निंग प्रोसेस मीन्स बिलोना जिसको बोलते हैं. आप देखते होंगे घर पे जब मम्मी दूध से दही बनाती है, दही से जब छाछ बनाती है तो उसमें से बटर घी को निकालती है और उसमें से फिर क्या बनता है, मक्खन जो है निकल जाता है. तो जब मथती है उसको रही से तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, चर्निंग प्रोसेस कहलाती है. सेकेंड मेथड हमने देखी थी कल जो है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मीन्स बाय हैंड, हैंड का यूज़ हो रहा है तो हैंड से पिक करके हटाना, हाथों के द्वारा निकालना, हैंड पिकिंग हाथ से अलग करना. इस मेथड में अपन ने क्या देखा था कि जब ग्रेन में हम गेहूं साफ करते हैं, घर पे मम्मी बीज साफ करती है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टोन और हस्क पार्टिकल होते हैं जो मिक्स होते हैं वह हम बाय हैंड हाथ के यूज़ के द्वारा उन्हें सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट मेथड थी अपनी जो है, सो स्टूडेंट पेज नंबर 36 आप बुक का ओपन कीजिए. पेज नंबर 36 चल रहा था अपना. पेज नंबर 36 में जो आप टेबल 5 पॉइंट देखिए, यस माइक ऑफ करो देवी कर आदित्य, अपना ऑफ योर माइक देवी कैन आदित्य ऑफ योर माइक. टेबल 5.1 व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं. तो सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चावलों में से पत्थर को अलग करना. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम चावल बनाएंगे, बॉयल चावल बनाएंगे तो उसमें जो अगर स्टोन पार्टिकल रह जाएंगे तो जब आप चावल खाओगे तो वो बार बार आपके दांतों के नीचे आएंगे और हमें उसमें पेन होगा. तो पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, की दो पदार्थों को अलग अलग करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है. व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, तो सेपरेटेड कंपोनेंट क्या करते हैं, स्टोन पार्टिकल्स जो है हमारे लिए यूजफुल तो होते नहीं है, स्टोन पार्टिकल उनका हम कोई यूज़ नहीं लेते तो उन्हें हम फेंक देते हैं, थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. सेकेंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो दूध को बिलोया जाता है दही को, क्यों, क्योंकि उसमें से हमें मक्खन बटर मिल सके. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, उससे क्या जो छाछ है वो अलग ही हो जाती है, छाछ भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए. वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर फेंक देते हैं. सेपरेट टी लीव्स, जब हम चाय बनाते हैं, चाय को छानते हैं, क्यों छाना जाता है, कि जब चाय को छानते हैं तो उसमें से टी लीव्स है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. अगर टी में टी लीव्स मिक्स होगी तो जब आप टी पियोगे, चाय पियोगे, तो टी लीव्स बार बार आपके मुंह में आएगी, हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा. अब है आपका थ्रेशिंग प्रोसेस देखिए. थ्रेशिंग मीन्स थ्रेशिंग प्रोसेस क्या है,
सेपरेशन ग्रेम फ्रॉम चाफ, गेहूं को या बाजरे को, कोई भी अनाज है, जैसे अभी हमारे यहाँ रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में क्या ग्रो हुआ है, बाजरा, स्टेप्स का बाजरा का उगता ना, इसमें जब बाजरा सीड्स होते हैं, तो जब हमारी क्रॉप्स, फसल जो है पक जाती है, पक जाती है तो इनके क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, काट देते हैं ना, तो काटने के बाद जो अपन घर में वीट बाजरा यूज़ में ले रहे हैं वो क्या ऐसा खाते हैं कि अपन, नहीं ना, हमारे सिर्फ इसके सीड्स होते हैं, दाने बीज ही होता ना, सीड्स गेहूं का, बाजरा का, इनके वीट का, इनके सीड्स होते हैं। तो सीड्स कैसे सेपरेट होते हैं, जो यह हार्वेस्टिंग प्लांट होता है, कटा हुआ प्लांट होता है, इनको थ्रेशिंग के, थ्रेशर मशीन के द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है, जिससे कि इसके अनाज के दाने, ग्रेन्स जो है अलग हो जाता है, और इसमें जो चाफ भूसा होता है वो अलग हो जाता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रेशिंग प्रोसेस कहलाती है। देखिए बुक में पेज नंबर 36 पे थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट और पेडिस्टॉल लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, कि क्रॉप को काटने के बाद इनके बंडल में से जो है इन्हें अलग किया जाता है, धान को और वीट को, स्टैक आर ड्राई इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, और इन्हें क्या है, सेपरेट करने के लिए, अनाज को उनके दानों में से, पेड़ से अलग करने के लिए उसे पहले सुखाया जाता है। इच स्टॉल हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, और एक स्टॉल पे, एक जो है भुट्टे पे क्या होते हैं, काफ़ी दाने अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 बंडल ऑफ स्टॉल लाइंग इन द फील्ड, कि एक पे ही इतने सारे दाने होते हैं, तो जब अगर 100 या उससे ज़्यादा प्लांट होंगे तो वहाँ पर कितने दाने होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोस बंडल टू ऑफ स्टाल, तो फार्मर जो है इन कटे हुए पेड़ों से कैसे जो है बीजों को अलग करता है। वन में पल्क मैंगो गुआवा फ्रॉम द ट्री, हम जो है मैंगो गुआवा के जो फ्रूट्स ऑफ प्लांट होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, हम फ्रूट को तोड़ लेते हैं। आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा, तो ये पर जो बड़े जो फ्रूट है उनको तो हम तोड़ के अलग कर लेते हैं, पर जो छोटे छोटे उन्हें हम कैसे अलग करें, उनको यूज़ करने का, अगर हम उनको एक एक दाने को, बाजरा का या मक्के का, वीट का एक एक दाना निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, पॉसिबल नहीं है इतना ग्रेन सेपरेट करना। तो यह वर्क किससे किया जाता है, बाय मशीन, बाय मशीन इसका यूज़ किया जाता है। वन में पल्किंग दैम फ्रॉम द स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल या असंभव है, हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक, तो यह कैसे जो है सेपरेट किया जाता है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, मीनिंग भी आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, कोई भी वर्क जो नहीं पॉसिबल है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, असंभव। अब यहां से आप डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, वह प्रोसेस जिसमें अनाज के दानों को स्टॉक से, भूसे से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, इस कॉल्ड थ्रेशिंग, थ्रेशिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर रिटर्न टू फायर फ्री द ग्रेन सीड्स समटाइम, तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस में स्टॉक्स को जो है ग्रेन से फ्री कर लिया जाता है, ग्रेन को स्टॉक से, उसके भूसे से अलग कर लिया जाता है। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लोकॉक, मशीन्स आर यूज टू थ्रेशर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन, और जब बहुत ज़्यादा हमारे पास अनाज होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रेशर मशीन का यूज़ किया जाता है। ये तो थी हमारी थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मेथड ग्रेन को सेपरेट करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट जो मेथड है वो है विनोविंग, विनोविंग मेथड। विनोविंग मेथड में कौन से सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, विनोविंग मेथड से जो वेट में हैवियर और लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है। अगर आपके पास मिक्सचर है उसमें जो है आपका, जैसा कि गेहूं और भूसे का भी हमने जो है थ्रेशिंग के द्वारा जो है ग्रेन को भूसे में से अलग कर लिया है ना, पर उसको हम सेपरेट नहीं कर रहे, सेपरेट करने के लिए कौन सी मेथड चाहिएगी, विनोविंग मेथड। जो हमारा ग्रेन होता है वो क्या होता है, वेट में हैवी होता है, गेहूं
बाजरा क्या होता है, वजन होता है इनमें, पर जिनका स्टॉक होता है, भूसा होता है, काफ़ी वेट होता है, कि लकड़ी का बना हुआ होता है तो काफ़ी लाइट वेट का होता है, हल्का होता है। तो विनोविंग मेथड में जब फार्मर जो होता है, हवा चलती है, हवा चलती है ऊपर से क्या करता है, ग्रेन को नीचे गिराता है। तो ग्रेन जो वेट में हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फार्मर की फीट के पास, पैरों के पास ही क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। जबकि जो स्टॉक होता है, भूसा होता है, वो हवा के साथ आगे गिरता रहता है। तो इस तरीके से जो है ग्रेन और स्टॉक दोनों फार्मर सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद इस ग्रेन को जो है बैग में कलेक्ट कर लिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। तो यह मेथड क्या कहलाएगी, विनोविंग मेथड कहलाती है, जिसमें वेट में हैवी और लाइटर इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है। देखिए बुक में एक्टिविटी 3, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आपको एक मिक्सचर दे दिया जाए, मिक्सचर किस चीज़ का है, सूखी रेत, ड्राई मीन्स सूखा, सूखी सैंड का और ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, और थर्ड चीज इसमें क्या मिक्स करी है उन्होंने, थर्ड थिंग्स है सॉडस्ट। सॉडस्ट मीन्स होता है लकड़ी का बुरादा, जब कारपेंटर लकड़ी का वर्क करते हैं ना, लकड़ी का कोई वर्क होता है तो उसमें लकड़ी का जो स्मॉल पीसेस निकलता, पाउडर निकलता, उसको बोलते हैं सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा। तीनों का क्या है, मिक्सचर है हमारे पास। अब तीनों के मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो वहाँ पर सैंड क्या होती है, वेट में हैवी होती है, भारी होती है, मिट्टी है ना, जबकि ड्राई लीव्स सूखी पत्तियाँ क्या होंगी, वेट में हल्की होगी, एकदम से वेटलेस कम होता उनमें, और जो लकड़ी है सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा भी क्या है, वेट कम होता है। तो जब इनका मिक्सचर आपके पास है तो आप उसको किस मेथड से सेपरेट करेंगे, विनोविंग मेथड से सेपरेट करेंगे। जब हम ऊपर से इसे गिराएंगे, सैंड को, सॉडस्ट को और ड्राई लीव्स के मिक्सचर को, तो सैंड का होगी फार्मर के फीट के पास कलेक्ट होती जाएगी, क्योंकि वेट में हैवी है, दूर तक हवा के साथ नहीं जाएगी। जबकि जो ड्राई लीव्स हैं और ड्राई लीव्स के साथ सॉडस्ट है, वो हवा के साथ वेट में हल्का होने के कारण आगे चला जाएगा और हमारा मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा। देखिए, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को हम एक न्यूज़पेपर पे या प्लेट में लेंगे। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, हम इसे देखेंगे सावधानी पूर्वक। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट टू बी मेड अप इजीली, आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। ये जो लकड़ी का बुरादा है और जो सैंड है, दोनों का साइज सेम होगा, हम उसको हाथ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगेगा, छान के भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी का बुरादा भी छन जाएगा और रेत भी छन जाएगी, सैंड भी है ना, तो दोनों क्या है, सिमिलर होते हैं। तो वुड इट टू बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। तो हम कैसे, क्या यह पॉसिबल है कि हम हैंड पिकिंग एक एक लकड़ी का या रेत का पार्टिकल उठा उठा के अलग करें, यह भी पॉसिबल नहीं लकड़ी के पाउडर में। तो नॉट टेक योर मिक्सचर इन ओपन ग्राउंड एंड सेंड ऑन ए राइज प्लेटफॉर्म। कि हम इसमें क्या करेंगे, एक खुले मैदान में जाएंगे जहाँ पर हवा लगती रहे, घर में, छत पे, कहीं भी, और एक ग्राउंड में जो है हम किसी चीज़ पर खड़े हो जाएंगे, ऊंचाई पे थोड़ा सा अपने सामान को ले लेंगे। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और ए शीट ऑफ पेपर, होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। और फिर उस मिक्सचर को किसी की प्लेट में लेकर अपने शोल्डर हाइट तक इतनी ऊपर लेके फिर उससे वहाँ से नीचे गिराएंगे, जैसा फिगर 5.5 में दिया गया है। देखिए आप फिगर 5.5, टिल इट्स लाइटली सो दैट द मिक्सचर साइड आउट स्लोली। तो इसमें क्या, धीरे धीरे हम मिक्सचर को फिर नीचे गिराएंगे। व्हाट हैपन, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या रेत और सॉडस्ट जो लकड़ी का बुरादा है, एक ही जगह तक जाते हैं या अलग अलग गिरते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। इफ़ देयर आर कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। तो हवा क्या है, जो दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, जो वेट में लाइटर इम्प्योरिटी से उनको सेपरेट कर सकती है। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन बेटा, ये डेफिनेशन है विनोविंग की। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग।
वह मेथड जिसमें कि इस टाइप के मिक्सचर को जो वेट में हेवियर लाइटर इम्प्योरिटी उसके मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। आदित्य जोशी ऑफ योर माइक बेटा, सेपरेट करती है वह क्या कहलाती है? विनोविंग मेथड कहलाती है। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। विनोविंग का यूज कब किया जाता है? भारी और हल्के जो है अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, हवा के द्वारा या बहती हुई तेज हवाओं के साथ, जो तेज हवाएं चलती तब हम इस मेथड का यूज करके हमारे मिक्सचर को प्योर कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्ट पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड फ्रॉम ग्रेन। इसका यूज कौन करते हैं? फार्मर किसान करते हैं हस्ट पार्टिकल को, भूसे को सीड में से अलग करने के लिए, भूसे को सीड में से अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल होते हैं, भूसा जो होता है हस्क लकड़ी का चूरा, वह क्या है? हवा के साथ आगे चला जाता है, दूर चला जाता है। एंड द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर विनोविंग। और सीड्स जो है पैरों के पास जमा हो जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फूडर फॉर कैटल। और ये जो सेपरेटेड हस्क है ये कहाँ यूज हो रहा है? ये जो कैटल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, गाय काऊ बफेलोस जो घर में रखते हैं ना, उनका जो भूसा चारा जिनको बोलते हैं लाते ना, वह यही हस्क पार्टिकल्स होते हैं, हस्क सब्सटेंस होते हैं। यह तो थी अपनी विनोविंग मेथड। नेक्स्ट मेथड जो सेपरेशन की है वो है सीविंग। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। सीविंग मीन्स होता है छानना। किसी भी मिक्सचर में से, और यहाँ पर कौन कौन सा मिक्सचर को अपन सीविंग प्रोसेस यूज में ले सकते हैं? जहां पर इम्प्योरिटीज के साइज में डिफरेंस हो, ठीक है, जब इसमें भी लिख ले साइज का मिक्सचर हो, उसमें से अपने को स्मॉल साइज का मिक्सचर सेपरेट सब्सटेंस को सेपरेट करना हो, वहाँ पर जो अपन सीविंग मेथड यूज में ले सकते हैं, छानना मेथड यूज में ले सकते हैं। घर में आप सभी देखते होंगे, मम्मी जब रोटी बनाती है तो उसके पहले क्या करती है? आटे को छानती। क्यों छानती? क्योंकि आटे में जितने भी हस्क पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो फ्लोर है आटे के जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे बच जाते हैं। देखिए, समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर, कि कई बार हम जो है आटे की कोई डिश बनाते हैं तो वी नीडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ग्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमारे लिए क्या जरूरी होता है? उसमें जो इम्प्योरिटीज मीन्स अशुद्धियाँ, जो इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती है उन्हें सेपरेट करते हैं। तो जब भी आटे से कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उसे सेपरेट किया जाता है फर्स्टली। एंड ब्रांड द मेवी प्रेजेंट इन इट, जो उसमें प्रेजेंट होती है व्हाट डू वी डू, कैसे कर सकते हैं? तो वी यूज ए सीव। हम किसका यूज करते हैं? छलनी का यूज करते हैं। एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट, और उसमें क्या डाल देते हैं? आटा, फ्लोर मीन्स आटा भर देते हैं। सीव अलाउ द फाइन पार्टिकल फ्लोर पार्टिकल्स टू पासेस थ्रू द होल ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो जैसे ही आप फिगर 5.6 में देखे, हम जो है फ्लोर को सीव करते हैं, छानते हैं, तो उसमें जो बिगर इम्प्योरिटीज बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और फ्लोर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं आटे के वो उसमें नीचे रह जाते हैं। इस तरीके से जो है हम आटे को छान लेते हैं। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोर आर रिमूव फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग। और जो आटा चक्की मिल वगैरह होती है वहाँ पर जो है आटे को पीस गेहूं को पीसने से पहले और स्टोन पार्टिकल क्या है सेपरेट किए जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। आदित्य जोशी ऑफ योर माइक, अपना माइक ऑफ करो आदित्य जोशी। आदित्य माइक ऑफ रखो अपना। यूजली ए बैग फुल ऑफ वीट पोर्ड ए स्लाइडिंग सीव द सीव रिमूव पीस ऑफ स्टोन स्टॉल्क एंड हस्क मे बी स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर थ्रेशिंग और विनोविंग। और
थ्रेशिंग और विनोविंग के बाद में भी जो हस्क पार्टिकल या स्मॉल स्टोन पार्टिकल उसमें बच जाते हैं वीट में, तो वह हम उसे सीव करके छान कर जो है सेपरेट कर लेते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बींग यूज एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, इमारतों का, बिल्डिंगों का वर्क होता है, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, टेबल्स, बजरी और स्टोन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है छानकर, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। एक्टिविटी 4 है, ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी फ्लोर फ्रॉम होम, कि घर में एक सीव छलनी लो और उसमें थोड़ा सा आटा लो। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन नाउ, मेक अ फाइन पाउडर टू चॉक पीस एंड मिक्स इन इट द फ्लोर, कि आपके पास जो है आटा आ गया, आटे में आपने चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। अब हमारा जो मिक्सचर बना है चॉक पाउडर और आटे का, तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? भाई आपके पास जो है व्हीट फ्लोर है, और प्लस इसमें क्या दिया, चॉक पाउडर, तो यहाँ पर आप कौन सी मेथड यूज में लेंगे, कैसे हम इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ना तो आप विनोविंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं सीविंग मेथड का। सीविंग मेथड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही जो है फाइन पार्टिकल होने के कारण छन जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, यहाँ पर हम इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सी मेथड हम यूज़ में लेंगे, तो कैन यू सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग? सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट ए मिक्सचर हैव ए डिफरेंट साइज, तो सीविंग का कहाँ यूज़ होगा, सीविंग का वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर कि डिफरेंट साइज के हमारे कंपोनेंट हो, कुछ साइज में बड़े हो और कुछ साइज में छोटे हो, वहाँ पर अपन सीविंग का यूज़ करते हैं। पर जब सेम साइज के हो तब हम जो कौन सी प्रोसेस लेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट मेथड कौन सी होगी, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन। फिर डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन मीन्स जो जमा करना, बैठना तली में नीचे सतह पर बैठना, एंड डिकेंटेशन मीन्स निथारना, अलग करना। यह मेथड हम कैसे यूज में ले जाते हैं, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन का। समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग एंड पिकिंग, फॉर एग्जांपल देयर मे लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक हस्ट, डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन ए राइस, कि राइस में जो है क्या हो, हस्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह अगर हमारे चावलों में होती तो हम उसे जो है विनोविंग थ्रेशिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? कुकिंग से पहले हम इन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं? राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश बिफोर कुकिंग, व्हेन यू एडेड टू वाटर टू दिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड। जब हम इसमें राइस और पल्सेस का जो मिक्सचर है धोते हैं हम पानी डाल के, तो पानी डाल के धोते हैं तो क्या होता है, दाल में, चावल में आप बिफोर कुकिंग से पहले उन्हें वॉश किया जाता है ना, तो धोने से क्या होता है, जो राइस और हमारी दालें पल्सेस हैं वो कहाँ है, नीचे बैठ जाते हैं और जो उनमें इम्प्योरिटीज, धूल, डस्ट वगैरह होती है वो पानी के साथ घुलकर ऊपर आ जाती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश बिफोर कुकिंग, व्हेन यू एडेड टू दिस इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, तो इसमें जो वाटर वॉश करके हम इससे जो है इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इन टू वाटर, पानी में आ जाती है और इनको पानी को ऊपर से अलग कर निकाल देते हैं।
नाउ व्हाट विल सिंक इन द बॉटम टू वेसल्स राइस और डस्ट. तो नीचे जो हमारे पास राइस बचे हैं पल्सेस बचे उसमें डस्ट रहती क्या. वाई हैव यू सीन दैट वेसल्स टिल टू पॉर आउट डर्टी वाटर. इसमें अब अपन जो एक्टिविटी करेंगे व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. कि जब वाटर किसी भी कंपोनेंट में अपन या किसी भी मिक्सचर में वाटर ऐड कर रहे हैं तो किसी भी मिक्सचर में या हमारा मिक्सचर है मिक्सचर किसी भी चीज़ का हो सकता है पल्सेस का हो सकता है राइस का हो सकता है. तो जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते हैं राइस में तो वाटर ऐड करते ही जो राइस का है वो राइस नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में कॉर्नर पे नीचे राइस जो है वह बैठ जाते हैं. तो इस तरीके से वाटर ऐड करते ही राइस का नीचे बैठना नीचे सतह पर जमा होना क्या कहलाता है सेडिमेंटेशन कहलाता है. अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. और फिर जो हमारा ऊपर का डर्टी वाटर होता है इसको अपन जो है क्लास लेता हूं मैं अभी नहीं करता मैं जो मैं अभी एक क्लास नहीं करता मैं अपने जो है गिलास को हम थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर के पानी को रिमूव कर लेते हैं ऊपर के ओनली वाटर को. यह प्रोसेस क्या कहलाएगी डिकेंटेशन या निथारना कहलाती है जिसमें कि गंदे पानी को हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारी जो राइस है बीट है या जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बचे हुए हमें मिल जाते हैं हैवियर पार्टिकल्स. लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. की कुछ जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा भी जो है हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं. व्हेन द वाटर सॉरी द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. यही प्रोसेस हम ऐसे दो लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं सेपरेट कर करने के लिए जिनमें कि कोई मिक्सचर हो जो मिक्स नहीं होते. तो कौन से ऐसे लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते. तो ऐसे दो लिक्विड कौन से हैं वाटर प्लस ऑयल. आपको पता है वाटर में जब हम ऑयल को ऐड करते हैं तो क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है नहीं होता. वो उसकी अपर सरफेस ऊपरी सतह पर तैरता रहता है. तो उसको भी जो है इसी प्रोसेस से अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन के द्वारा. ऊपर का जो ऑयल है वाटर का वो अलग सेपरेट कलेक्ट कर लेंगे और जो है वाटर हमारा डिकेंटेशन में अलग रह जाएगा क्योंकि जो ऑयल है वो क्या होता है वेट में लाइटर होता है. ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दैट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे एनी टू सेपरेट लेयर. जब हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को कुछ समय के लिए रखते हैं तो उसमें हमें दो अलग अलग लेयर दिखाई देती है. द कंपोनेंट ऑफ दैट फॉर्म ऑफ टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. और ऊपर की लेयर को हम किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ. अब ये थी हमारी आज की मेथड. आज हमने देखी है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन थ्रेशिंग विनोविंग मेथड जो है हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की देखी है सीविंग मेथड. अब आपने माइक ऑन कर ले. जो किसी को कुछ पूछना है कोई मेथड जो आपको नहीं समझ में आई है बेटा कोई मेथड जो आपको नहीं समझ में आई किसी को कुछ पूछना है क्या माइक ऑन करो. देविक शिवम कोई डाउट है क्या. नो मैम समझ में आ गया बेटा सब. देविक आपकी नोटबुक नहीं आई है चेक होने के लिए. मैम हम भेज देंगे. कब भेजोगे. हम सैटरडे को. ठीक है बेटा लीव करो बेटा क्लास.